देखिए, इस मौसम में होता यह है कि जो पछुआ हवाएं होती हैं और पूर्वा हवाएं होती हैं, वो दोनों इस क्षेत्र तक पहुंचती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं। तो जब ये मिलती हैं तो चूँकि पूर्वा हवा में नमी होती है, तो संभावनाएं इसकी हो जाती हैं कि लोकल क्लाउड्स डेवलप हो जाए। और फिर जब ये लोकल क्लाउड डेवलप होते हैं तो पानी के मतलब वैसा बृहत्तर नहीं, लेकिन एक छोटे से स्थान में 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के उस रेंज में पानी को जैसे तड़ित बिजली के साथ इस तरीके से पानी की संभावनाएं बनती हैं। दो तीन घंटे, एक डेढ़ घंटे टोटल इसको कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो एक डेढ़ घंटे के लगभग का होता है। तो ये संभावनाएं अब बनेंगी और ये संभावनाएं का ही ये सीजन है। इसको हम लोग मानसून की भाषा में नॉर्वेस्टर्स या हिंदी में इसको काल बैसाखी बोलते हैं। बैसाख का महीना आ रहा है उसके हिसाब से। ये जो काल बैसाखी का जो 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 सिग्नेचर है इस वेदर का, वो यही है कि छुटपुट नहीं, एक बृहत्तर पानी बरसेगा लेकिन छोटे से जगह पर बरसेगा, जहाँ पर ये दोनों हवाएं एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसी संभावनाएं अब बन रही है। संभावनाएं उसमें बस ये समझ लीजिए कि अब ये जो उमस वाली गर्मी है ये थोड़ी बढ़ेगी और तीखी गर्मी जो अभी कुछ दिन पहले थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और यही थोड़ी सी ज़्यादा नमी हो जाएगी तो ऐसे बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी। तो क्या मतलब ये गर्मी ही उस बरसात का मुख्य कारण बनता है? जी जी जी, ये गर्मी में दोनों तरीके की हवाएं हैं इस समय। जो अभी आ रही थी वो पछुआ आ रही थी गर्म वाली, पूर्वा जो अभी आ रही है वो नम है जिसमें मॉइस्चर है। जहाँ मिलेगी उस जगह पे इस तरीके की संभावना है। तो यानी कि ये समझ लीजिए कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ से लेकर के और आसाम तक ये स्थिति बनी रहती है। कहीं ना कहीं पर किसी न किसी तरीके से ये पानी बरसता रहेगा। तो सर क्या इसमें ओले पड़ने की भी संभावना? एकदम सही बोले हैं, इसमें थोड़े से ओले की भी संभावनाएँ बनती हैं। और ओले भी बड़े, मतलब फरवरी मार्च में कई लोगों ने याद करेंगे तो कई लोगों की शादी ब्याह या किसी ओकेजन में याद होगा लोगों को। इस मौसम में ओले बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।